मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉइल पेपर की। जी हाँ, वही फॉइल पेपर जिसे आप अपना लंच पैक करने में इस्तेमाल करते हैं। आजकल इसका चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको बताएं कि इससे किस किस तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट आपके इस फॉइल पेपर के भी हैं। आजकल लगभग सभी घरों में लंच पैक करने के लिए फॉइल पेपर का इस्तेमाल ही किया जाता है। बेशक इसमें आपकी रोटियां मुलायम रहती हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। एल्युमिनियम प्रतिक्रियाशील होता है और कुछ फॉइल पेपर ऐसे होते हैं जो घुलकर आपके खाने में मिल जाते हैं, जिससे आपको कई खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एल्युमिनियम एक लोकप्रिय कुकवेयर सामग्री बन गया है। इसका फॉइल पेपर के अलावा स्पून, पॉट्स और पैंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का सेवन हड्डी और गुर्दों से संबंधित रोगियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट की माने तो एल्युमिनियम फॉइल में कभी भी गर्म खाना लपेटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फॉइल पेपर पिघल सकता है और ये अल्जाइमर और पागलपन जैसी कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाले फॉइल पेपर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेचर में एसिडिक वाले फूड्स फॉइल पेपर में कभी भी नहीं लपेटने चाहिए, जैसे कि विनेगर, टमाटर और टमाटो सॉस से बने खाने को कभी भी एल्युमिनियम फॉइल पेपर में नहीं लपेटना चाहिए, क्योंकि एसिडिक फूड एल्युमिनियम पेपर के साथ मिलकर फॉइल को ख़राब और नरम कर सकते हैं, जिससे खाने में बैक्टीरिया फैल सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी बचा हुआ खाना फॉइल पेपर में नहीं लपेटें। इसके बजाय बचे हुए खाने को किसी ग्लास कंटेनर में रखना चाहिए। ये सरल नियम आपके परिवार को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो ये थी वो बातें जिसमें हमने आपको बताया कि फॉइल पेपर आपकी सेहत को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जब भी आप फॉइल पेपर लें तो इस बात की पूरी तरह जांच कर लें कि आप जो फॉइल पेपर खरीद रही हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। कोशिश ये करें कि जब भी आप फॉइल पेपर में खाना पैक करें तो उसे बहुत देर तक के लिए ना रखें, और साथ ही साथ सावधानियों का ख्याल ज़रूर रखें। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और बेहतरीन नुस्खों के साथ, बेहतरीन जानकारियों के साथ। फ़िलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।